नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव प्रकाश और सीएसडी टुडे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई कार प्राइस लिस्ट जो कि मारुति सुजुकी अरेना के सभी मॉडलों की जारी की गई है, उसके बारे में मैं आपको यहां पर पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप लोग यहां पर देखेंगे कि जो सीएसडी कैंटीन के थ्रू आप लोग गाड़ी खरीदते हैं वह ऑन रोड कितने की पड़ती है, सिविल में एक शोरूम प्राइस क्या है और सीएसडी में जो आप लोग आरटीजीएस करते हैं वह अमाउंट कितना पे करना होता है, इसके अलावा उस पर कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं। तो देखिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी हेल्पफुल लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। आपको सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ अल्टो के मॉडलों को। तो दोस्तों, अल्टो के जितने मॉडल सीएसडी कैंटीन में अवेलेबल है सीएसडी कैंटीन के थ्रू इस महीने में, तो दोस्तों उनका आपको यहाँ पर सबसे पहले इंडेक्स नंबर दिखाया गया है, उसके बाद मॉडल का नाम या वेरिएंट आप कह सकते हैं वो दिखाया गया है, इसके बाद आप देख पा रहे हुआ है एक स्टार, तो इसका मतलब है सभी कैटेगरी के लोग खरीद सकते हैं। और जिस कॉलम में आपको जिस वेरिएंट यानी कि मॉडल के सामने दो स्टार मिले, इसका मतलब होगा कि सूबेदार और सूबेदार मेजर या उसके ऊपर रैंक वाले लोग या इनके इक्विवेलेंट रैंक वाले लोग उसको खरीद सकते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप पे लेवल से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, आप लोग वहाँ पर जा कर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अगला कॉलम मिलेगा सिविल में जो एक शोरूम प्राइस होता है गाड़ी का, वह आपको यहाँ पर दिखाया गया है ताकि आप लोग यह जान पाएँ कि आखिर जो आप सीएसडी के लिए आरटीजीएस कर रहे हैं उसमें और इसमें कितना अंतर है और कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है प्रत्येक गाड़ी में। इसके अगला जो आप देख पा रहे हैं कॉलम वो है सीएसडी का आरटीजीएस अमाउंट जो कि आप सीएसडी के लिए ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब आप गाड़ी को डिलीवर कराते हैं आप अपने डीलर के माध्यम से, तो जहाँ भी रहते हैं जिस भी स्टेट में, वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ पर कुछ चार्जेस लगते हैं जैसे कि आरटीओ चार्जेस, और इसके साथ ही जो इनिशियली आपको पे करना होता वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं आगे धीरे धीरे करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहला है दोस्तों इंश्योरेंस, जिसमें कि 1 ईयर ओडी, उसके अलावा 3 ईयर का टीवी आपको यहाँ पर दिखाया गया है जिस कॉलम में, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद यदि आप एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं जो कि 1 लाख किलोमीटर या फिर 5 साल जो भी पहले हो, वो आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद बेसिक किट जो आपको दी जाती है उसका चार्ज आपको यहाँ पर देना पड़ता है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है सभी गाड़ियों के लिए। इसके साथ ही जो नंबर प्लेट और साथ में फास्ट टैग होता है उसके लिए भी यहाँ पर आपको शुल्क अदा करना होता है। इसके साथ ही जो लोग जहाँ से गाड़ी को डिलीवर करा रहे हैं वहाँ पर उस स्टेट में रजिस्टर्ड ना करा करके कहीं अन्य अदर स्टेट में रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उनके लिए टेम्परेरी जो वहाँ पर TR बनवाया जाता है उसका चार्जेस भी लगता है, तो वो आप देख सकते हैं। यदि आप उसी स्टेट में कराते हैं तो ये आपको चार्ज नहीं पे करना होता है। इसके बाद जो टैक्सेस लगते हैं उसके लिए अलग से कॉलम दिखाया गया है, तो यदि लगते हैं तो वहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप देख पाएंगे कि ऑन रोड ये सिविल में कितने की पड़ेगी वो दिखाया गया है, जितना कि मैंने अभी तक ये चीज़ें आपको दिखाई हैं उसके अनुसार। और ठीक इसके बगल में कॉलम आप देख पा रहे हैं जो कि ऑन रोड सीएसडी प्राइस लिखा हुआ है, इसमें अभी तक का जो भी मैंने आपको बताया है वह सभी टैक्सेस मिला करके यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं कि आखिर सीएसडी के थ्रू कितने की पड़ रही है। अब यहाँ पर आरटीओ चार्जेस हर स्टेट में अलग अलग होते हैं, तो मैं यहाँ पर दो जगहों का दिखा देता हूँ, तो वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे अगला कॉलम जो है दिल्ली आरटीओ का, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसका चार्जेस जो भी लगता है वो सभी मॉडल वाइज आपको दिखाया गया है, और लास्ट में दिखाया गया है हरियाणा आरटीओ के लिए चार्जेस। आप थोड़ा सा आप नीचे देखेंगे तो इसी तरह से एस्प्रेसो के आपके मॉडलों को सेम जैसा मैंने अभी ऊपर बताया उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पूरा
आपको फुल डिटेल दिखाया गया है, ताकि दोस्तों आपको यह समझ में आए कि आखिर कौन सी गाड़ी कितने रुपए की पड़ रही है और कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है सीएसडी और सिविल के दोनों के बीच में। इसके साथ ही दोस्तों थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे वैगनार, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इस महीने इसको अपडेट नहीं किया गया है, ये सीएसडी कैंटीन के थ्रू आप लोग नहीं खरीद सकते हैं। आगे पुनः शामिल होगी तो मैं आपको इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं सेलेरियो की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि ये अभी आप लोग देख पा रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पर आपको न्यू सेलेरियो आपको दिखाई जा रही है, तो इसके जितने भी मॉडल इस समय सीएसडी कैंटीन में उपलब्ध हैं उन सभी के सभी मॉडलों को सभी कैटेगरी के लोग खरीद सकते हैं और उन सभी का आपको प्राइस फुल डिटेल में यहाँ दिखाया गया है। और जो सबसे नीचे वाली गाड़ी है जो कि सीएनजी की है, सबसे लास्ट में यहाँ लिस्टेड है, ये अभी सीएसडी कैंटीन में लिस्टेड नहीं है। इसके नीचे थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपको मिलते हैं स्विफ्ट के मॉडलों का यहाँ पर प्राइस। तो सभी स्विफ्ट के मॉडल जो भी सीएसडी कैंटीन के थ्रू अवेलेबल हैं वो सभी आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो कि फुल डिटेल में आप यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यदि आपको यह इन्फॉर्मेशन देखने में कोई समस्या हो रही है या फिर मार्च महीने के बाद कभी भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, तो कृपया वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए वेबसाइट के लिंक को फॉलो करके आप लोग वेबसाइट पर विजिट करके समस्त लेटेस्ट जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो किसी भी ब्राउज़र में csdtoday.com लिख करके आप सीधे ही वेबसाइट पर जा करके अपने अनुसार आप किसी भी गाड़ी का कोई भी मॉडल जो कि सीएसडी कैंटीन में लिस्टेड है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अन्य कोई चीज़ जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आप लोग देख पाएंगे आपको दिखाया गया है डिजायर के मॉडलों को। तो दोस्तों डिजायर के जितने भी मॉडल इस समय सीएसडी कैंटीन में अवेलेबल हैं वो सभी आपको दिखाए जा रहे हैं, जिनको कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं विटारा ब्रेजा के। तो दोस्तों ब्रेजा के जितने मॉडल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे ऊपर लिस्टेड किए गए हैं, तो दोस्तों इन सभी ब्रेजा के मॉडलों को आप फुल डिटेल में यहाँ पर देख सकते हैं और कौन कौन सा रैंक कौन कौन सी गाड़ियों को खरीद पा रहा है। यदि आप रैंक वाइज देखना चाहते हैं तो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके वेबसाइट पर विजिट करके प्रॉपर आप सही वे में, कहने का मतलब रैंक वाइज देख पाएंगे कौन सा रैंक को कौन सी गाड़ी मिल पा रही है। इसके साथ ही आप थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो एर्टिगा की गाड़ियां जो भी सीएसडी कैंटीन के अंदर लिस्टेड हैं उन सभी को आपको यहां पर दिखाया गया है। साथ ही एक सीएनजी की भी अवेलेबल है जो कि सबसे लास्ट में यहाँ पर लिस्टेड आपको नज़र आ रही है, वो भी आपको दिखाई गई है। इसके साथ ही दोस्तों थोड़ा सा नीचे आप लोग देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है इक्को के मॉडलों को। तो दोस्तों इक्को के टोटल 4 मॉडल अवेलेबल हैं सीएसडी कैंटीन के माध्यम से, जिनको कि सभी कैटेगरी के लोग खरीद सकते हैं। जो लोग इन गाड़ियों को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू से ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर स्क्रीन पर आपको मिस्टर जसमीत सिंह, जिनका कि मोबाइल नंबर और साथ में ईमेल आईडी दी गई है, तो आप लोग उनसे फ़ोन करके अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग कोटेशन एवं साथ में अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप ऑनलाइन माध्यम से कार अथवा बाइक खरीदने का प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अन्य कार प्राइज लिस्ट या बाइक प्राइज लिस्ट या अन्य कोई भी सैनिकों से जुड़ी हुई कोई भी आप खबर जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग csdtoday.com या csdtoday यूट्यूब चैनल पर विजिट करके समस्त जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलता हूँ एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ आने वाले अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।